फाइनेंस के लिए आप क्या कर रहे हो? फाइनेंस के बगैर बिजनेस नहीं चलेगा। मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हो? या मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स मार्केटिंग स्टार्ट्स और मार्केटिंग की नीड्स ये होती है कि जब प्रोडक्ट या सर्विस तैयार हो गई है उस टाइम पे सेल्स की नीड होती है। मार्केटिंग की नीड फ्रॉम द डे आइडिया आया है उस दिन से मार्केटिंग स्टार्ट है, उस दिन से मार्केटिंग स्टार्ट है। समझ रहे कि आप आपका आइडिया है, आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। मार्केटिंग क्या है समझे? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसके तहत आप सेल्स को इजी कर लेते हो। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस टू मेक सेल्स इजी। आ रही है बात समझ? कि आपने ऑलरेडी रेपुटेशन बिल्ड की हुई है, ठीक है, ऑलरेडी लोगों में सर्कल में आपकी प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग आपको जानते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, ठीक है, इसकी नेटवर्किंग अच्छी है, आप लोगों से कम्युनिकेट हो रहे हैं, आप जा रहे हैं बता रहे हैं मैं स्टार्टअप पे काम कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, राइट। तो आप ऑलरेडी से आप बेस बनाते जा रहे हैं, ठीक है, और जब आपका सेल्स का टाइम आएगा तो वो सारी चीजें कलेक्टिव होकर आपको सेल्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं, मैं हेल्प आउट करेंगी कि यार ये बंदा तो फलां इवेंट में भी था, ये फलां स्पीकर के साथ भी था, ये फलां बंदे के साथ, ये इसकी पिक्चर यहाँ पे भी हमने देखी है, ठीक है, और ये स्टार्टअप यार यहाँ पे भी स्पॉन्सर कर रहा था, ये चीज ये भी कर रहा था। इस सारे कलेक्टिव एलिमेंट्स हैं जो मिलके आपकी सेल्स को इजी करते हैं। सो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस नॉट सेल्स। मार्केटिंग देखिये, मार्केटिंग और सेल्स हम यूज करते हैं, और अक्सर लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग इज अनदर थिंग, सेल्स इज अनदर थिंग, समझ रहे हैं? तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द आइडिया, द डे यू गॉट द आइडिया यू स्टार्ट डूइंग द मार्केटिंग। और इट इज नॉट के वो हम जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेते हैं कि भाई ये खरीद ले, वो अगेन हम सेल्स को मिला रहे होते हैं, नहीं आप बता रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप आइडियाज को आप शेयर करना शुरू कर देते हैं, लोगों का शेयर करना शुरू कर देते हैं, ये मार्केटिंग भी आपकी हो रही है और वहां से लोगों से इनपुट भी आप ले रहे हैं। ठीक, एक मिनट, मैनेजमेंट आपको मैनेज आता है या सीखना पड़ेगा या करना पड़ेगा? अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज को, टाइम को, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस नहीं चलेगा। सपोर्ट, ये चार एलिमेंट्स बहुत की फैक्टर्स हैं, अदर देन वो जो आप बनाने जा रहे हो, चीज करने जा रहे हो, वो सारे ये चारों यूं समझ लो लाइफ लाइन्स हैं। अगर ये इनमें से कोई भी चीज आपके पास सही नहीं होगी और आपने फोकस नहीं किया हुआ होगा तो आपका स्टार्टअप को बहुत मसले में चलेंगे। ये पार्ट एंड लेटर स्टेज पे जाके आता है जब आपकी प्रोडक्ट बन जाती है और जब कस्टमर को देना शुरू करते हैं उससे पहले, लेकिन आपने उसके लिए वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैनेज, ये सारी एलिमेंट्स। नेक्स्ट करना।